किसी भी भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करी पत्ता का तड़का लगाया जाता है। ये जंगल और झाड़ियों में कहीं भी मिल जाती हैं। यह स्वाद के साथ स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अहम होती हैं। खाली पेट 4 से 5 पत्ते सुबह खाने से कई फायदे होते हैं। जो कड़ी लीव्स होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता, इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। इसमें मेनली विटामिन ए, बी, सी, ई, कैल्शियम और मल्टी विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये इंडाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे रोज़ सुबह हम 5 से 6 कड़ी पत्ते क्रश करके ऐसे चबा सकते हैं, तो उससे आपको मतलब, या उसके बाद हम पानी पी सकते हैं, तो उससे मेटाबॉलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और अच्छा ये होता है। हिपाटो प्रोटेक्टिव भी होता है, मतलब लिवर को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर हम कड़ी लीव्स के पेस्ट को उसे निचोड़ कर रस निकालते हैं, उस कड़ी लीव्स से आधा चम्मच कड़ी लीव्स और उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर हम ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, तो ये भी हमारे डाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, इसको भी ये डिक्रीज करने का काम करता है, मतलब ठीक करता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। करी लीव्स में जैसे 5-6 हम पत्ते करी लीव्स के ऐसे चबा सकते हैं, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये ओबेसिटी कम करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे 5 से 6 पत्ते हम करी पत्ते के एसेट्स हम सुबह खाली पेट हम इसे चबा सकते हैं, तो और ये डायबिटीज़, बढ़े हुए डायबिटीज़ लेवल को भी कम करने का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल ये बढ़ा देता है, हमारी जो स्मरण शक्ति होती है तो उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इम्प्रूव करता है। हेयर फॉल जिसको होता है, तो उसमें भी कड़ी पत्ता बहुत अच्छा काम करता है, बालों को झड़ने से रोकने के लिए मदद करता है। जैसे हम कड़ी पत्ते को हेयर में लगा सकते हैं, स्कैल्प में लगा सकते हैं, 1 से 2 घंटे तक इसे स्कैल्प लगा के छोड़ सकते हैं, उसके बाद उसे नॉर्मल ऐसे वाटर से वॉश कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को लगाने के लिए जैसे हम इसको क्रश करके इसकी लीव्स उसमें हम वो मिला सकते हैं, नारियल का तेल में मिला के दैट इज़ हम इसे स्कैल्प में यूज़ कर सकते हैं। एक्ने और पिंपल्स में भी इसका बहुत अच्छा काम है। इसमें जैसे 10 से 15 मिनट हम कड़ी पत्ता को फेस में लगाकर छोड़ सकते हैं, उसके बाद हम इसे नॉर्मल वाटर से रिंस कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। जैसे जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या मूत्र विकार, कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें भी हम 5 ml डेली कड़ी पत्ते का जूस सुबह खाली पेट उठ के पी सकते हैं। इसको हेडेक होता है, कड़ी पत्ता उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जैसे इसको पीस कर हम इसको फोरहेड में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सर दर्द से राहत देता है। ओरल हाइजीन, जैसे जिसको ओरल प्रॉब्लम्स होती है, कैविटीज़ है, मसूड़ों में समस्याएं या मुंह में बदबू आती है, उसमें भी कड़ी पत्ता बहुत अच्छा काम करता है। हम इसको सुबह उठ के खाली पेट चबा सकते हैं, तो इससे डेंटल जो प्रॉब्लम होती है, ओरल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, उसको इम्प्रूव करता है, मुँह में छाले कम कर देता है। कड़ी पत्ता को सुखाकर अगर हम पाउडर बनाकर आधा चम्मच और शहद के साथ लेते हैं, तो छालों पर हम इसे लगा सकते हैं, तो उसमें भी हमें राहत मिलती है। डायरिया, जैसे कड़ी पत्ते का हम फल को पीस कर एज इट इज अगर हम खाएंगे, तो डायरिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।